यूनिट चार ऑस्किलेशन एंड वेव्स से आज हम करेंगे प्रेशर वेरिएशन फॉर प्लेन वेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाओ भाई, प्रेशर वेरिएशन फॉर प्लेन वेव। हम जानते हैं भाई किसी प्रोग्रेसिव वेव के लिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया था y, वो कितना था, y इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी है। चलिए जी, अब हमें पता है जो यहाँ पर स्ट्रेन है इसमें मीडियम में वो कितनी होगी भाई, dy ओवर dx। तो लिखेंगे भाई यहाँ पर हियर द स्ट्रेन इन मीडियम इज dy ओवर dx। अगर यहाँ पर dy ओवर dx पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो डिस्प्लेसमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या फिर ये कैसा रीजन हमें देगा। चलिए जी, इफ dy ओवर dx इज नेगेटिव, क्या हो भाई ये नेगेटिव हो, ठीक है नेगेटिव हो भाई, क्या हो ये भाई नेगेटिव हो। इट रिप्रेजेंट्स अ रीजन ऑफ कंप्रेशन। इफ dy ओवर dx इज पॉजिटिव इट रिप्रेजेंट ए रीजन ऑफ रेयर फैक्शन। ठीक है भाई, ये बात होगी। अब जो बल्क जो मॉडुलस है हमारा, ठीक है मॉडुलस ही लेना है बस, इलास्टिसिटी का मीडियम का वो हमें पता है कितना होगा, E इज इक्वल्स टू dp/dy/dx। dp क्या है भाई, चेंज इन प्रेशर, ठीक है चेंज इन प्रेशर ऑफ अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये हमारा इलास्टिसिटी का मॉडुलस आ जाएगा। चलिए हटा दू उसको, चले जी द मॉडुलस, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होगा भाई, dp अपॉन dy ओवर dx। तो यहां से dp कितना बन जाएगा भाई, e dy ओवर dx। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, फ्रॉम फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर dy ओवर dx इज इक्वल sin का होगा भाई, a एज इट इज रहेगा, cos sin कितना हो जाएगा cos x, यानी 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस x। x का फिर से करेंगे भाई, 2 पाई अपॉन लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई होगी vt हो गया, तो t तो इसमें 0 हो जाएगा जब t का डिफरेंशिएट करेंगे, 2 पाई अपॉन लैम्डा x माइनस का, तो भाई x का हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस के 2 पाई अपॉन लैम्डा बाहर आ गया, इसलिए dp इज इक्वल्स टू माइनस के e 2 पाई अपॉन लैम्डा। यहाँ पर क्या किया भाई, dy ओवर dx की वैल्यू रख देंगे, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा a cos
टू पाई अपॉन लैम्डा बी टी माइनस एक्स, या फिर डी पी इज इक्वल्स टू माइनस के टू पाई अपॉन लैम्डा ए ई कॉस टू पाई अपॉन लैम्डा बी टी माइनस एक्स, बी टी माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वही परेशन वेरिएशन आ गया किसके लिए भाई, प्लेन वेव के लिए। किसके लिए आ गया, प्लेन वेव के लिए। और ये माइनस साइन हमारा यहाँ पर क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है इसमें प्रेशर में। चलो भाई इसको भी लिख लो, इतनी बात नेगेटिव साइन shows that there is a decrease in pressure, ठीक है। तो ये हमारा भाई क्या था, प्रेशर वेरिएशन था किसके लिए, प्लेन वेव के लिए। और यहाँ पर ये डिक्रीज होकर हमें मिल रहा है।